जी वाले लेकिन मैं ऐसी टीम का हिस्सा नहीं होना चाहती हूँ जहाँ पर किसी पर सिमरन जी स्वामी जी के साथ जो हुआ उसमें आप इन्वॉल्व नहीं, आप पे अगर कोई बात हुई है तो उन्हें किया वो उनका हक था। मैंने मत बोला था ना कि उन्होंने मुड़ के बोला, बट यार आई कांट टेक पर्सनल कमेंट। मैंने बोला नहीं, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि इन्होंने जो पर्सनल कमेंट किया है राखी के ऊपर उससे मैं नाराज हूँ। अब आप बताइए, आप एक ही टीम में रहकर एक बंदे से आप, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ इनसे, मैं इनकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आज जो भी कुछ हुआ, मैं उस पद्धति को मानती हूँ जहाँ हम अहिंसा को मानते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में हम ये भी मानते हैं कि गुस्सा करना और गुस्सा दिखाना दो अलग चीजें हैं। गांधी जी ने ये कहा था कि अगर मुझे हिंसा और कायरता में से किसी चीज को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा। अगर मैं अपने सीधे रास्ते जा रही हूँ और कोई मुझे पंडिताइन कहकर के छेड़ता है तो मैं उन स्वामी जी की तरह नहीं हूँ जो टेलीविजन पर बैठ करके रोएं। मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं अपनी बात को कह सकूं। मैंने किसी नारी की कोई बेइज्जती नहीं की है। यहाँ आने से पहले मैं टेलीविजन नहीं देखती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि राखी सावंत कौन है, वीना मलिक कौन है, ये मैं सच्ची और अगर मैंने कहा आइटम नंबर और अगर आपको बुरा लगा तो मुझे नहीं पता कि आप आइटम नंबर कौन है, लेकिन ये आई डोंट नो, यू डोंट नो, बट यू नो दैट आई एम। और अगर मैंने कपड़ों की बात की है तो सिर्फ आपने ही छोटे कपड़े नहीं पहने, बहुत लोग छोटे कपड़े पहनते हैं। और सिमरन जी के लिए पर्सनल हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर भी अगर सिमरन का इश्यू है कि वो अपनी व्हाटएवर चेंज करना चाहती हैं तो उससे बेटर है कि मैं बिग टॉस का हाउस छोड़ सकती हूँ। आई हैव नो इश्यूज विद। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं अब देखिए हम सब यहाँ पे फैमिली की तरह है, मेरा ख्याल है आप सब अपनी जी आप सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। इस वक्त शायद सर जो मैं कह रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे ठीक कीजिए। इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जहन पे हैं। अगले एपिसोड तक आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है, आप सोचिए, आपको जो मुनासिब लगी आप कीजिए। मैं किसी के ऊपर मैं दूसरी टीम में जाना चाहता हूँ। महाशिवरात्रि पर आज देखिए शिव के साक्षात सबूत। पुराणों में जिनका जिक्र है वो निशान दिखेंगे टीवी पर। महादेव